आज का ये वीडियो काफ़ी लूप में होने वाला है, जहाँ पे हम 9 ऐसे शेयर्स के बारे में बात कर रहे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज सुर्खियों में रहते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। जिनमें से पहला नाम है GLT इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरा नाम है जोमेटो, तीसरा नाम है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि डिविडेंड किंग माना जाता है इंडियन शेयर मार्केट के अंदर। इसमें इतना डिविडेंड मिलता है कि अगर अच्छे अमाउंट में आप बाई कर लो तो आपको डिविडेंड मिलेगा पेंशन की तरह। उसके बाद जो कंपनी आई है हमारे सामने, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, जिसके ऊपर SBI ने कोर्ट में ये याचिका दायर की हुई है कि इस कंपनी को दिवालिया घोषित की जाए। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हुए हुए। फिर उसके बाद देखेंगे आलोक इंडस्ट्री को, जो कि कपड़े की कंपनी है। फिर देखेंगे FCF सॉफ्टवेयर, जो कि IT सेक्टर की कंपनी है। फिर देखेंगे ट्राइडेंट, फिर GMR, और आखिर में हम देखेंगे लॉयड स्टील को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ड होने वाली है फंडामेंटल एनालिसिस पे, पास्ट रिकॉर्ड्स पे, और कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू हम जानेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू को इसलिए जानेंगे क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग हमको करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो जब आखिर तक आप देख रहे होंगे तो आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। पहली जो कंपनी है हमारे सामने, इसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1408 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने दबा के कर्जे लिए हुए हैं 3670 करोड़ के। कंपनी के सेल्स ग्रोथ रेट हो, चाहे वो हो प्रॉफिट ग्रोथ रेट, ROCE हो या फिर हो EPS, सारे के सारे निगेटिव में चल रहे हैं। ROE जो है वो तो 0% है। खैर, इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और थोड़े से डेटा को और क्लियरली देखेंगे। कंपनी के पी रेशियो को हम यहाँ पे नज़रअंदाज कर देते हैं और आपको पहले बता देते हैं कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू। तो कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू 2 रुपये के करीब में बैठ रही है आज के ट्रेडिंग डे की बात करें तो, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो 1 रुपये 10 पैसे है। कंपनी के अगर इनकम स्टेटमेंट पे जाएं तो हम पाएंगे कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ तो रही है, लेकिन कंपनी की जो इनकम है वो नहीं आ रही है। देखिए, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे मतलब नहीं होता है, कंपनी कितना इनकम ऑपरेशनल ला के दे रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी सर्वाइव करेगी अपने ऑपरेशनल इनकम के दम पे ही, क्योंकि कंपनी जिस चीज़ के लिए बनी है वही चीज़ अगर ना करे तो कंपनी चलेगी कहाँ से। इसके अलावा अगर एसेट्स मैनेजमेंट को देखें तो हम पाएंगे कि कंपनी की एसेट्स लगातार कम हो रहे हैं और लाइबिलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। यानी इनडायरेक्टली आप इस शेयर को खरीदते हैं तो ऐसे कंपनी के मालिक बनते हैं जहाँ पर संपत्ति कम होती जा रही है बहुत तेज़ी से और लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, यानी कि दायित्व बढ़ता जा रहा है। कैश फ्लो की अगर बात करें तो हम पाएंगे कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो लगातार आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ ये है कि कंपनी के कैश फ्लो आ कहाँ से रहे हैं, ऑपरेशनल इनकम तो आ नहीं रही है। तो ये कैश फ्लो आ रहा है एसेट्स को बेच के, तो जो कि अच्छे साइंस नहीं होते। ऊपर से अगर कंपनी की हम देखें कॉम्पिटिटर को इंडियन मार्केट में, तो इंडस टावर है, GTL है, ये सारे के सारे इसके कॉम्पिटिटर है। कोर डिजिटल है, ये भी इसकी कॉम्पिटिटर है। इसकी तुलना में जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी वीक लग रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी के अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स इसलिए देखना इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स हम रिटेलर से ज़्यादा जानते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। उनको हर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता होती है। अगर उनको कुछ ऐसा कंपनी के अंदर से खबर नहीं मिली कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा ऑपरेशनल रिजल्ट आने वाली है, इन्होंने इसने अपने स्टेक्स को खाली कर दी, तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को घुसने की जरूरत है नहीं। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़े रखते हैं, फिर भी अपने इन्वेस्टमेंट को लगाए रखें तो पता नहीं कोई बात हो सकती है। इसलिए मैं इस पर कोई राय अपनी नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे पैसे के साथ अगर स्टॉक मार्केट में उतरे हैं, तो इस कंपनी में आप उतने ही पैसे लगाएं जितना कि आप लॉस सह सकते हैं, जितना कि नुकसान हो जाए तो आपको ज़्यादा गम ना हो, रातों की नींद ना उड़े। बाकी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद। दूसरी जो कंपनी है हमारे सामने वो फूड डिलीवरिंग कंपनी है, जिसका नाम है जोमेटो। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी तो मार्केट कैप रखती है 87,335 करोड़ के, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जे बिल्कुल नहीं है। सेल्स ग्रोथ रेट 30%, प्रॉफिट ग्रोथ रेट 110%, ROE जो है वो 0.67%, ROCE 0.71%। देखिए, इतने से काम नहीं चलेगा। किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो उसकी डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, और वैल्यू इन्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान पाएं कि कंपनी के लिए पैसे आप कितना दे रहे हैं और आपको वैल्यू कितने की मिल रही है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो इस जोमेटो की है वो है 82 रुपये, और जो आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं वो है 101 रुपये आज की ट्रेडिंग डे की बात करें तो। कंपनी के अगर हम डेटा को देखें, उससे पहले देखते हैं कंपनी के अंदर एनालिस्ट के क्या सजेशंस हैं। तो 25 एनालिस्ट आपको 84% के सजेशंस दे रहे हैं कि आप इस शेयर को बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको ये शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, इस वीडियो को पूरा होते होते आप समझ जाएंगे। बात अगर कंपनी की रेवेन्यू की करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन जो इनकम थी वो ईयरली तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ईयरली ग्रोथ नहीं था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर 2023 में, कंपनी के अंदर 2 करोड़ के पॉजिटिव इनकम आए हुए हैं, जो कि इस शेयर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में मदद की है। इसके अलावा कंपनी की अगर बैलेंस शीट पर जाएँ तो हम एसेट्स मैनेजमेंट को देख पाएंगे, तो हम पाएंगे कंपनी की एसेट्स साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट लेवल पर कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रही है। और दूसरी तरफ कंपनी ये काम कर रही है ना कि अपने प्लेटफॉर्म से उन सारे रेस्टोरेंट को उठा के फेंक रही है जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के नहीं दे रहे, और दूसरा कंपनी डायरेक्ट फार्मर्स से गुड्स सप्लाई ले रही है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा फर्क लाके दे सकता है कंपनी को। इसके अलावा कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज भी ग्रो कर रही है, यानी कंपनी काम कर रही है इसलिए कंपनी के ऊपर दायित्व आ रहा है। इसके अलावा कंपनी के पास कैश फ्लो की कमी है। देखिए, कैश फ्लो की कमी रहती है ना तो एक दिक्कत ये आती है कि कंपनी एक्सपेंशन पे अपने पैसे नहीं लगा पाती है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कंपनी अपने इन्वेस्टर से पैसे लेकर कंपनी में दबा के लगा रही है और इसका रिजल्ट देखने को लास्ट क्वार्टर में मिला है। लेकिन ऐसे में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 1-2 क्वार्टर आपको रुक जाने चाहिए। इसके जो मेन कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट के अंदर वो है इन्फोएज, IRCTC और PB फिनटेक।
इन सबके वैल्यूएशन के देखें तो IRCTC का वैल्यूएशन बढ़िया है जो कि पॉजिटिव में दिख रहा है, लेकिन जोमेटो को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में लीडिंग पोजीशन पे यही है जो फूड डिलीवर करती है। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखें तो काफी अच्छा शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है, जहां पे प्रमोटर्स तो बिल्कुल नहीं है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इससे ये पता चलता है ना कि जिनके पास सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ज्यादा हैं वो कंपनी के अंदर हैं, यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं जब भी कंसोलिडेशन आता है। तो वीडियो ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई के साथ प्यार बनाए रखिएगा। इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे है इसका नाम है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कंपनी की अगर बात करें तो इसके रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी की अगर इनकम पे आए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023 में कंपनी की इनकम में भारी गिरावट हुई है और ये निगेटिव में चला गया है। इसके अलावा अगर एसेट्स मैनेजमेंट को देखें तो हम पाएंगे कि कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों 2023 के फाइनेंशियल ईयर में कम हुई है। तो मान सकते हैं कि कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे नहीं होंगे इसलिए कंपनी ने अपने एसेट्स को कम किए और साथ ही साथ लाइबिलिटीज भी कम हो गई। इसके अलावा अगर कंपनी के हम कैश फ्लो को देखें तो कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है जो कि अच्छी साइन है। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो आता रहेगा तो कंपनी अपने एक्सपेंशन पे पैसे को लगाती रहेगी, कंपनी के ऊपर डेट होगा तो उसको चुकाती रहेगी, तो यहाँ पे आपको ये फायदा मिल जाएगा। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो मेन कॉम्पिटिटर कंपनी है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ऐसे मान सकते हैं कि ये इसकी कॉम्पिटिटर है, टाटा पावर कंपनी हो गई, टोरेंट पावर हो गई, ये सारे के सारे इसके कॉम्पिटिटर है। अगर ग्रोथ वाइज देखें तो इन सबके वैल्यूएशन, इन सबके जो फंडामेंटल्स हैं एज कम्पेयर टू पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग इसलिए भाव देते हैं क्योंकि ये डिविडेंड बहुत तगड़ा देती है। बात इसके अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को कर ले तो पाएंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 15% की शेयर होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड के पास भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी है, यानी कि शेयर होल्डिंग्स पैटर्न काफी अच्छा है, सबकी इसमें हिस्सेदारी बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये डिविडेंड बहुत दबा के देती है, आप अगर देखें 2023 में ही ये 3 बार डिविडेंड दे चुकी है, इसको आप डिविडेंड स्टॉक के तौर पे रख सकते हैं, ग्रोथ स्टॉक के तौर पे रखना है तो इसको मत लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। अब जो चौथी कंपनी है हमारे लिस्ट की, इसका नाम है बजाज हिंदुस्तान सुगर लिमिटेड। कंपनी की मार्केट कैप 3353 करोड़ की है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जे ही है 4243 करोड़ की। बात अगर कंपनी की कर लेना तो कंपनी 14 फैक्ट्रीज चला के भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पा रही है। ऊपर से कंपनी के ऊपर SBI बैंक ने दिवालिया घोषित करने का कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंड करे, क्योंकि अगर कैश फ्लो आएगा तो कर्ज निवारण में लगाएगी, क्योंकि कर्ज इतने ज्यादा है और दिवालिया घोषित होने तक के नौबत है तो कंपनी एक्सपेंशन पे तो पैसे बिल्कुल नहीं लगाने वाली है, वो पैसे को लगाएगी कर्ज पे, तो एक्सपेंशन नहीं होगा तो आप रिटेल इन्वेस्टर को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इसके अलावा कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ रेट की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ रेट 13% के करीब है, ROE जो है वो नेगेटिव में है 4.0%, ROCE जो है वो 0.72% और प्रॉफिट ग्रोथ रेट 35% के करीब है। इसके अलावा जो जानने वाली चीज है इस कंपनी के बारे में वो ये है कि कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम पाएंगे कंपनी के पास कैश फ्लो तो है, लेकिन इस कैश फ्लो का अधिकांश इस्तेमाल कंपनी करेगी अपने एक्सपेंशन पे ना करके अपने डेट को निवारण में, तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे, तो इस चीज से थोड़ा सा दूर। हमारे लिस्ट की जो पांचवी कंपनी है इसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 9409 करोड़ के हैं, लेकिन कंपनी ने अपने ऊपर कर्जे ही ले रखे हैं 22684 करोड़ के, ये चुकाएंगे कहां से, चलो मजाक को हटाओ साइड में। कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ रेट की बात करें तो निगेटिव में चल रहे हैं 5%, ROE की बात करें तो 0%, ROC की बात करें तो 14.51%, ये भी निगेटिव में, प्रॉफिट ग्रोथ रेट ये भी निगेटिव में चल रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा ग्रेट एनालिसिस करनी पड़ेगी या फिर बोले तो डिटेल एनालिसिस। कंपनी की अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है 15 रुपये और 15 रुपये का माल आपको चुकाया जा रहा है 19 रुपये के करीब। खैर ये तो रही कुछ और बातें, और कंपनी की अगर हम देखें इनकम स्टेटमेंट को तो हम पाएंगे कंपनी की जो इनकम में रेवेन्यू जो दिख रहा है वो ईयर ऑन ईयर कम होती जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ें नहीं होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और कंपनी की जो इनकम है ये भी काफ़ी निगेटिव में चल रहा है, कभी प्रॉफिट में नहीं आया है पिछले 4-5 सालों में। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपके खरीदे हुए शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न ला के देंगे और आप इससे बहुत बड़ा तीर मार लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। कंपनी की एसेट्स में भी लगातार गिरावट हो रही है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी के ऑर्डर बुक भी अच्छे नहीं है और कंपनी की मैनेजमेंट भी इस पे काम नहीं कर रही है, साथ में लाइबिलिटीज जो है वो तो बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कंपनी की हम फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है, ये कैश फ्लो आ रहा है एसेट्स को बेच के, जो कि अच्छे साइंस नहीं है, ऑपरेशनल इनकम नहीं आ रही है तो ये कैश फ्लो आएगा कहाँ से, एसेट्स को बेच के ही आएगा ना, तो ये अदर इनकम में आपको दिखा दिया जाएगा। खैर इसके अलावा चलते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर को देखते हुए, तो कंपनी की जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो वेदांत है, KPR मिल्स है, ट्राइडेंट है, इन सारी की वैल्यूएशन आलोक इंडस्ट्री से लाख गुना बेहतर है। तो आप अगर प्रेफरेंस देते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की अच्छी कंपनी को तो आप इन सब कंपनियों को देख सकते हैं कि ये कैसे हैं आपके लिए, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विचार जरूर कर लीजिएगा। कंपनी के अगर हम प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स को देखें तो 75% की कांस्टेंट शेयर होल्डिंग्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, लेकिन कंपनी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से थोड़ी अपनी दिलचस्पी दिखाई है और बहुत नॉमिनल साइज स्टेक्स थोड़ा और बाय किया है, अधिकांश इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो आपके लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप इसको बाय करते हैं ना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, फिर भी कंपनी आपको प्रॉफिट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है ऐसे फंडामेंटल्स के साथ। क्या न्यूज़ सेंटीमेंट्स बन रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सेंटीमेंट्स के दम पे आप इसमें स्विंग ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, धन्यवाद। छठे नंबर पे हमने जिस शेयर को रखा है इसका नाम है FCF सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 435 करोड़,
लेकिन इन कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नॉमिनल सा है जो कि 18 करोड़ के करीब। सेल्स ग्रोथ रेट 2% से भी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट 2357%। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स ज्यादा नहीं है जो कि लगातार कम होते जा रहे हैं और फिलहाल 19% की शेयर होल्डिंग्स है कंपनी के प्रमोटर्स के पास। आरओई की बात करें तो 0.38% और ईपीएस की बात करें तो 0.01। आरओसीई जो है वो 0.82% के करीब में बन रहा है। इसके अलावा इस डेटा को थोड़ा और क्लियरली देखेंगे तो हम पाएंगे कि कंपनी की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो है 6 पैसे के करीब में और जो शेयर प्राइस है वो है 2.55 रुपये, यानी 6 पैसे का माल आपको 2.55 रुपये में चिपकाया जा रहा है जो कि अच्छी चीज़ें नहीं होती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने पैसे को इस तरीके से ना गंवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जैसा कि नाम जानते हैं, पी रेशियो 219 है और सेक्टर की पीई है 28। एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए हो सकता है जो, या फिर ये शेयर उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि इसके शेयर प्राइस को देख के खरीदारी करने वाले हैं। इसकी जो फंडामेंटल्स है, इसकी जो वैल्यूएशन है, ये देख के खरीदारी नहीं करने वाले हैं उनके लिए ये शेयर ठीक है, लेकिन जो सब चीज़ों को देख के खरीदारी करते हैं उनके लिए ये शेयर बिल्कुल नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रो कर रही है, अच्छी बात है, इनकम भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेनी स्टॉक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। कंपनी की एसेट्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटीज़ भी हैं वो भी ग्रो कर रही है। कंपनी के पास कैश फ्लो को देखें तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी आ रहा है। देखिए पेनी स्टॉक कोई भी होना उसमें कैश फ्लो थोड़े बहुत ही दिखते हैं आते हुए। कंपनी की अगर बात करें कॉम्पिटिटर की तो इंडियन मार्केट में इसकी जो भी कॉम्पिटिटर हैं वो दिग्गज कंपनियाँ हैं और इनकी तुलना में एफसीएफ सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा बच्चा है, स्ट्रगलिंग कंपनी है और स्ट्रगलिंग कंपनियाँ बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती हैं, इनको अपने ऑर्डर मिलने तक मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी। खैर कंपनी के जो मेन कॉम्पिटिटर है L&T है, टाटा एलेक्सी है और प्रसिस्टेंट सिस्टम है, इन सबकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू एफसीएफ सॉफ्टवेयर। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 19% की शेयर होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास। बाकी जो सबसे ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इसमें बिल्कुल अपने स्टेक्स नहीं लिए हुए हैं। तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इसमें अपने दाव लगाने की जरूरत नहीं है। हार्ड अर्न मनी को अच्छे स्टॉक्स में लगाएं तो रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सिर्फ न्यूज सुन के कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी आने वाले टाइम में ये रिटर्न देगी, वो रिटर्न देगी, इस कंपनी के साथ टाइप हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। टाइप होने दीजिए, एक दो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दो क्वार्टर के बाद कंपनी का टाइप टूट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हमारे लिस्ट की जो 7वीं कंपनी है इसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। टेक्सटाइल की कंपनी है जो मार्केट कैप रखती है 19,186 करोड़ की, लेकिन कंपनी ने अपने ऊपर कर्जे भी दबा के लिए रखे हैं 1374 करोड़ की। सेल्स ग्रोथ रेट निगेटिव में चल रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ रेट ये भी निगेटिव में चल रहा है। इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा डिटेल एनालिसिस जरूरी है क्योंकि पैसे एम ही तो बर्बाद नहीं कर सकते ना कहीं भी। तो कंपनी देखे तो स्मॉल कैप है। इसके अलावा कंपनी की पीई रेशियो और सेक्टर की पीई देखें तो कंपनी आपको अंडर वैल्यूड लग रही होगी, लेकिन अगर अदर वैल्यूएशन पैरामीटर्स को लगा के देखेंगे तो हम पाएंगे जो कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू है वो है 12 रुपये और मार्केट प्राइस है 37 रुपये। तो मान सकते हैं कि आपको 12 रुपये का माल 37 रुपये में चिपकाया जा रहा है। कंपनी की रेवेन्यू चार्ट पे आके देखेंगे तो हम पाएंगे कि कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कम हो रही है, साथ में कंपनी की इनकम भी है वो भी कम हो रही है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। कंपनी अपने एसेट्स को लगातार बढ़ाई जा रही है जो कि अच्छे साइंस है। यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। देखिए कंपनी की इनकम नहीं आ रही ये अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी अपनी एसेट्स को बढ़ा रही है, इसका साफ साफ मतलब है कि कंपनी के विजन तो क्लियर है कि आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट बना सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि कंपनी अपने कैश फ्लो का उपयोग डेट के निवारण में करेगी और अपने एक्सपेंशन पे तो कर ही रही है, जबकि आप देख रहे हैं कि एसेट्स मैनेजमेंट में साफ साफ नजर आ रहा है। इसके जो मेन कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में वेदांत फैशन है, KPR मिल्स है और वेलपून है, जितने भी सारे टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज हैं ना वो सारे के सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो कि मार्केट में लीडिंग पोजीशन पे है उस कंपनी में प्रेफरेंस देके आप उसको बाई करते हैं तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, नुकसान के चांसेस कम रहेंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रगलिंग कंपनियाँ। तो ट्रेंड स्ट्रगलिंग कंपनियाँ नहीं है, इसके क्लाइंट्स अच्छे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे खुलासा नहीं हो रहे। इसके अलावा जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स हैं वो की है 73%, म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल थोड़े से हैं। देखिए ये लोग जो बैठे हुए हैं ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़े होते हैं, इन्होंने शेयर बाई नहीं किया है तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत कंपनी के अंदर दिख रही होगी इन लोगों को, लेकिन प्रमोटर्स बने हुए हैं तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को अच्छे से जानते हैं। आने वाले टाइम में कंपनी एक बूम दिख सकती है कंपनी के अंदर, तो आप इस कंपनी में उतने ही पैसे लगाएं जितना कि आप लॉस को सह सकते हैं। हमारे लिस्ट की जो 8वीं कंपनी है इसका नाम है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 2148 करोड़ है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जे ही हैं 3664 करोड़ के और सेल्स ग्रोथ रेट निगेटिव में चल रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ रेट ये भी निगेटिव है, ROE जो है वो भी निगेटिव है। ऐसे फंडामेंटल्स के साथ अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी की अगर पी रेशियो की बात करें तो 2.81 की है और जो सेक्टर की पी है वो 20.61 की है। बाकी इसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, पहले इसके कॉम्पिटिटर को देखते हैं। अगर इसके मेन कॉम्पिटिटर को देखें तो NTPC है, अडानी पावर है, JSW स्टील है। देखिए ये सब अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, इनकी तुलना में GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कभी नहीं कर पाएगी। ये कुदरत का करिश्मा होगा, ऑपरेटर का हाथ होगा, तभी जाके ये कंपनी अच्छा रिजल्ट ला के देगी। खैर कंपनी की हम देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट को, तो हम पाएंगे कंपनी की जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, अच्छी चीज़ें। कंपनी की जो नेट इनकम है वो नेट इनकम अभी जाके 2000
2023 के फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव में आया है, जो कि काफी अच्छा है, 1182 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी के अगर एसेट्स मैनेजमेंट को देखें और इस एसेट्स मैनेजमेंट से हमको ये पता चल जाता है कि कंपनी के ऑर्डर बुक कैसे हैं, तो हम पाएंगे कंपनी के एसेट्स मैनेजमेंट बहुत खराब तरीके से हो रहे हैं 2020 की तुलना में से करें 21 से 22 23 को, तो ये जो एसेट्स हैं लगातार कम हो रहे हैं और कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज दबा के बढ़ते जा रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के कैश फ्लो चार्ट पे जाएं तो हम पाएंगे कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं कैश फ्लो आ रहे हैं, यानी कि एसेट्स को बेच के कैश फ्लो को लाया जा रहा है, अदर इनकम आपको दिखाया जा रहा होगा एनुअल रिपोर्ट में। खैर आपने कॉम्पिटिटर को तो देख ही लिया, इसके अलावा जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स हैं वो है लगभग 14% के आसपास ही, बाकी के प्लेस किए हुए हैं जिनके पास रखे होंगे वो इसके प्रमोटर्स होंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल थोड़े से हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं बहुत अच्छे खासे। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 26 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी नहीं है, कंपटीटर बहुत टाइट है इसके, तो इसकी तुलना में ये कंपनी कितना दिन चल पाएगी, कितना अच्छा रिजल्ट दे पाएगी वो तो भगवान जाने। अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को लगाना चाहते हैं तो डिटेल एनालिसिस आप कर लीजिएगा खुद। हमारे लिस्ट की जो आखिरी कंपनी है इसका नाम है लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी की अगर बात करें तो मशीनरी बनाती है। इसके अलावा कंपनी की जो पीई रेशियो है वो सेक्टर की पीई से काफी ज्यादा है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू बस होती है 5 रुपये। इसके अलावा कंपनी की अगर इनकम को देखें, इनकम स्टेटमेंट पे आके, तो हम पाएंगे कंपनी की जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, इनकम कंपनी के पास अच्छे खासे आ रहे हैं पिछले साल की तुलना में, जो कि बहुत ही अच्छे साइंस माने जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बैलेंस शीट पे आके हम यही देखेंगे कि कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, तो हम पाएंगे कंपनी की जो एसेट्स हैं वो लगातार ग्रो कर रहे हैं 2021 से, साथ में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज भी है, यानी कि कंपनी काम कर रही है इसलिए कंपनी के ऊपर दायित्व आ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं यानी कि ऑर्डर बुक भी अच्छे होंगे कंपनी के। साथ में कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं आ रहा है, जो कि दिक्कत वाली चीज़ है। कंपनी के कैश फ्लो आते हैं तो कंपनी अपने एक्सपेंशन पर और अच्छे तरीके से काम कर पाती है। क्यूमिन है, थर्मेक्स है, AIA है इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी, इन सबकी वैल्यूएशन बढ़िया है, लेकिन लॉयड स्टील बढ़िया है सिर्फ इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स नहीं है। इनमें से जितने भी शेयर्स की मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की, इनमें से किसी के भी ऑपरेशनल रिजल्ट मन को भाने वाले नहीं है, अच्छे रिजल्ट नहीं है, सिर्फ मार्केट में सेंटीमेंट्स अच्छे बन रहे हैं। एक जोमेटो ऐसा कंपनी है जो कि अंदर से पोटेंशियल दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो ऐसे में जोमेटो के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं 5 साल 10 साल का, तो आप उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आप खुद से भी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विचार कर लीजिए। और बाकी जितने भी पेनी स्टॉक्स न्यूज चैनल्स पे आ रहे हैं या फिर आपको सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं ना, वो बस सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, आप उसमें स्विंग ट्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पछताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें पोटेंशियल नहीं है। उड़ेगा वही शेयर जिसमें औकात होगी उड़ने की, और औकात तभी बनती है जब ऑपरेशनल रिजल्ट्स आते हैं। सारे शेयर्स जो भी इसमें दिख रहे थे अभी वीडियो में, उनमें उतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो बहुत अच्छा कर पाए आने वाले टाइम में।